हेलो स्टूडेंट स्टैंडर्ड सिक्स सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर आइट डेसिमल्स एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल ओके यहाँ पे ए में देखो टेंस टेंस है तो यहाँ पे हंड्रेड कितने हैं तो हंड्रेड तो इसमें है नहीं यहाँ पे देखो हंड्रेड दिखाई दे रहा है नहीं है तो यहाँ पे आएगा जीरो टेन कितने हैं टेंस है वन टू और थ्री तो कितना आएगा थ्री वंस कितना है वन one. वंस है वन टेंस कितने हैं वन और टू तो क्या आएगा टू इजी है ना अब देखो हंड्रेड्स बी में कितने हैं वन ही है तो यहाँ पे आएगा वन टेन्स भी वन है सो so आएगा वन one. वंस नहीं है तो आएगा ज़ीरो टेन्स है वन टू थ्री फोर तो क्या आएगा फोर ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन टू राइट द फॉलोइंग डेजिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल प्लेस वैल्यू की टेबल जैसे आगे तो टेबल थी वैसे ही हमें टेबल बनानी है और इसके लिखना है ओके सो यहाँ पे देखो ऐसे आपको टेबल बनानी है फर्स्ट uh, है नाइनटीन पॉइंट फोर तो इसमें से देखो वंस टेंस हंड्रेड्स में कुछ नहीं है सो so ज़ीरो आ जाएगा वन में क्या है नाइन है tense में क्या है वन है और ये टें से, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फोर ओके okay. उसके बाद ज़ीरो पॉइंट थ्री ये टेंस पे है टेंथ पे तो यहाँ पे थ्री यहाँ पे वंस है सो so ज़ीरो यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है टेंिक्स वंस में ज़ीरो टें वन हंड्रेड में कुछ नहीं टें नाइन दैन वंस में फाइव टें ज़ीरो हंड्रेड्स में टू ओके इजी था ना समझ में आ गया ओके दैन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेजीमल्स ये सभी को हमें डेजिमल में लिखना है सेवन टेंस मतलब सेवन अपॉन टेन होगा देखो यहाँ पे सेवन टेंवन अपॉन टेन इज इक्वल टू यहाँ पे एक वन ही जीरो है जो so पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रहेगा जीरो पॉइंट सेवन टू टेंस एंड नाइन टेंस टू टें मतलब टू मल्टीप्लाई टेन से मतलब मल्टीप्लाई टेन से करेंगे प्लस नाइन टेंस नाइन अपॉन टेन टू मल्टीप्लाई टेन ट्वेंटी प्लस एक ही ज़ीरो है सो यहाँ पे एक ही डिजिट है तो जीरो पॉइंट नाइन ये दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वेंटी पॉइंट नाइन फोर्टीन पॉइंट सिक्स फोर्टीन ये पॉइंट है ये जो है पॉइंट है वो ये सिक्स वन हंड्रेड एंड टू वंस वन हंड्रेड प्लस टू वंस टू मल्टीप्लाई वन वंस है सो हंड्रेड प्लस टू वन सा टू इज इक्वल टू वन हंड्रेड टू पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है मतलब पॉइंट जीरो ओके उसके बाद सिक्स हंड्रेड पॉइंट एट सिक्स हंड्रेड ये पॉइंट और ये ऐट ओके okay? उसके बाद देखो क्वेश्चन फोर राइट इज ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स राइट इज ऑफ द फॉलोइंग एस डेसिमल्स ये सभी को भी हमें डेसिमल में लिखना है फाइव अपॉन टेन कितने जीरो है एक ही जीरो है ऊपर कितने डिजिट है यहाँ पे एक ही डिजिट है तो हम ये डिजिट पॉइंट के बाद रखेंगे मतलब जीरो पॉइंट फाइव देखो यहाँ पे एक ही डिज़ एक ही जीरो है मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट रहना चाहिए तो ये यहाँ हमारे पास एक ही डिजिट है तो वही रख देंगे तो आगे हम पॉइंट लगा देंगे और आगे कुछ नहीं है इसलिए ज़ीरो लगा देंगे थ्री प्लस सेवन अपॉन टेन इज इक्वल टू थ्री प्लस ये फाइव अपॉन टेन का जीरो पॉइंट फाइव तो सेवन अपॉन टेन का जीरो पॉइंट सेवन अब दोनों को ऐड करेंगे तो थ्री पॉइंट सेवन उसके बाद है टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस फाइव प्लस वन अपॉन टेन सो क्या करेंगे टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी प्लस फाइव प्लस वन अपॉन टेन का क्या होगा एक ही ज़ीरो है सो ज़ीरो पॉइंट वन इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव पॉइंट वन क्योंकि पॉइंट के बाद वो ये एक ही डिजिट है दूसरा कोई नहीं है सेवेंटी प्लस एट अपॉन टेन ऐट अपॉन टेन को कैसे करेंगे एट लिख दिया चलो और एक जीरो है मतलब पॉइंट के बाद ये आगे ज़ीरो इजी है सो सेवेंटी प्लस ज़ीरो पॉइंट एट इज इक्वल टू सेवेंटी पॉइंट ऐट उसके बाद एट्टी एट अपॉन टेन अब देखो यहाँ पे दो डिजिटे और ज़ीरो हमें ज़ीरो हमारे पास एक ही है तो हम दोनों के बीच में रख देंगे मतलब एट पॉइंट एट यहाँ पर देखो दूसरा फोर टू अपॉन टेन इज इक्वल टू टेन फोर ज़ा फोर मल्टीप्लाई टेन प्लस टू टेन फोर ज़ा फोर्टी प्लस टू इज इक्वल टू फोर्टी टू सो फोर्टी टू अपॉन टेन इज इक्वल टू यहाँ एक ही जीरो है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है ये दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा फोर पॉइंट टू थ्री अपॉन टू और यहाँ पे देखो कोई ज़ीरो वाला हमारे पास नहीं है तो हम टू को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ज़ीरो वाला जो फिगर है मतलब टेन हंड्रेड आ जाएगा हम फाइव से कर सकते हैं क्योंकि टेन टू फाइव सा टेन होता है सो नमरेटर और डेनोमेटर दोनों को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन टू फाइव ज़ा टेन अब हमारा इजी हो गया एक ही जीरो है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखना है वन पॉइंट फाइव वैसे ही नेक्स्ट है टू अपॉइंट फाइव यहाँ पे फ़ाइव है यहाँ पे टू था तो टू मल्टीप्लाई फाइव किया था यहाँ पे फाइव है तो फाइव मल्टीप्लाई टू करेंगे टू टू ज़ा फोर फाइव टू ज़ा टेन सो यहाँ पे एक ही डिजिट है जो ज़ीरो पॉइंट फोर ट्वेल्व अपॉइंट फाइव ट्वेल्व अपॉइन्ट फाइव इज इक्वल टू ट्वेल्व यहाँ पे फाइव है फाइव टू ज़ार टेन होता है सो so, दो नामरेटर और डोनोमीटर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर फाइव टू जार टेन एक ही जीरो है दोनों के बीच में पॉइंट रख देंगे मतलब टू पॉइंट फोर यहाँ पर आपको पॉइंट नहीं रखना हो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ आंसर तो यही लिखना होता है ओके थ्री थ्री अपॉइंट फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन प्लस थ्री एड कर देंगे तो एटीन आ जाएगा एटीन अपॉन फाइव अब फाइव है तो फाइव टू ज़ा टेन होता है दोनों को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एटीन टू ज़ा थर्टी सिक्स फ़ाइव टू ज़ा टेन ये दोनों के एक ही जीरो है सो हम सिक्स के आगे पॉइंट लगा देंगे मतलब क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स फोर वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू फोर टू ज़ा एट ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर टर्मे है वो उसको एड करते हैं फोर टू ज़ा एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन अपॉन टू टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन आ जाएगा नाइन फाइव ज़्याटी फाइव टू फाइव ज़ा टेन अब एक ही जीरो है सो so फाइव के आगे पॉइंट लगेगा फोर पॉइंट फाइव ओके समझ में आ गया उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव है राइट द फॉलोइंग डेजीमल्स एज फ्रैक्शंस रिड्यूस द फ्रैक्शंस ए टू लोएस्ट फ्रॉम हमें जो यहाँ पे डेसिमल है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लोएस्ट फॉर्म में लिखना है ओके ज़ीरो पॉइंट सिक्स है पॉइंट के बाद कितने डिजिट है एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो आएगा नंबरेट सॉरी डेनोमीटर में मतलब सिक्स अपॉन्ट टेन एक ही एक ही ज़ीरो आया अब उसको हमें कट करना है थ्री टूजा करेंगे और थ्री टू जा और फाइव टू ज़ा मतलब थ्री अपॉन्ट फाइव दोनों को टू से डिवाइड करेंगे ओके okay? थ्री अपॉन फाइव टू पॉइंट फाइव पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है एक ही जीरो आएगा मतलब टेन आएगा और ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन टेन दोनों को फाइव से डिवाइड कर देंगे फाइव फाइव ज़ा होता है और टू फाइव ज़ा होता है टेन फाइव फाइव ज़ा, ट्वेंटी फाइव टू फाइव ज़ा टेन फाइव अपॉन टू वन पॉइंट जीरो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है मतलब जीरो है उसको कोई मतलब है या नहीं है मतलब नहीं वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन थ्री अपॉन एट यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है मतलब टेन आएगा ऑब्वियसली टेन आएगा थर्टी एट अपॉन टेन दोनों को टू से डिवाइड कर दो थर्टी एट अप डिवाइड टू टेन डिवाइड टू नाइनटीन अपॉन फाइव थर्टीन पॉइंट सेवन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है एक ही डिजिट है मतलब एक ही जीरो आएगा यहाँ पे देखो एक ही जीरो वाला कौन सा लिखा टेन वन हंड्रेड थर्टी सेवन अपॉन टेन इसको हम कट नहीं कर सकते मतलब यही लोएस्ट फॉर्म आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट टू पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है टेन आएगा टू हंड्रेड ट्वेल्व अब हम इसे टू से डिवाइड करेंगे वन हंड्रेड सिक्स और फाइव टू सा मतलब वन हंड्रेड सिक्स अपॉन फाइव इसके आगे हम कट नहीं कर सकते सिक्स पॉइंट फोर इज इक्वल टू पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है एक ही जीरो आएगा मतलब टेन आएगा सिक्सटी फोर अपॉन टेन फाइव टू ज़ा थर्टी टू टू ज़ा थर्टी टू टू ज़ा सिक्सटी फोर एंड फाइव टू ज़ा टेन सो थर्टी टू अपॉन फाइव ओके सो इतना समझ में आ गया सो so, आपका होमवर्क है वर्कबुक क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन वर्कबुक क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन ओके थैंक यू